डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिटी। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिटी का हमने लैंग्वेज दो तरीके से पढ़ा, एक तो मेरे की टाइम टर्म्स मैंने आपको दिए, ओके, और फिर आपके जो ICAI द्वारा जो मॉडल दिया गया है उसके साथ भी हमने कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिटी जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है वो हमने मैच किया, ओके। हमारा लास्ट पैरा बाकी था, वो था व्हेन डज द लायबिलिटी ऑफ एन इंडेमनीफायर कमेंस। कमेंस का मतलब होता है आना, प्रेजेंट होना। तो इंडेमनीफायर पहले होता कौन है पहले बताओ। देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिटी के अंदर दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर बोलते हैं इसको हम, ओके। तो इंडेमनीफायर यानी कौन, जो कंपनसेट पे करेगा लॉस पे, और इंडेमनीफाइड यानी इंडेमनिटी होल्डर कौन है, जिसको कंपनसेट मिलेगा, ओके, कंसीडरेशन के बदले में। तो अब इंडेमनीफायर ने कंपनसेशन देने वाला उस कंपनसेशन कब देगा, लायबिलिटी यानी क्या कि उसके ऊपर वो लायबिलिटी है, जब तक के वो कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं होता, परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं होता, तब तक उसके ऊपर ये लायबिलिटी है कंपनसेट पे करने का। लायबिलिटी यानी उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, क्या है उसको, कि अगर इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर अगर लॉस में आता है या उसकी वजह से उसको कुछ फाइनेंशियल लॉस होता है तो भरपाई उसको इंडेमनीफायर ही देगा। तो कौन से कंडीशन के अंदर इंडेमनीफायर उसको लायबिलिटी पे करेगा, उसका कंपनसेशन पे करेगा, वो इस पैराग्राफ में दिया गया है। अब मैं इसको पढ़ के एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा के देता हूं। देखो, ऑल्दोथ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज साइलेंट ऑन द टाइम्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर, यानी क्या, इंडेमनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर जब कोई लायबिलिटी चुकाने की बारी आती है किसकी, इंडेमनीफायर की, तो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है, साइलेंट है, क्या ये साइलेंट, देखो लिखा हुआ ना साइलेंट, क्या ऐसी कोई प्रावधान नहीं है कि यही कंडीशन अगर आई तो ही इंडेमनीफायर उसको कंपनसेट पे करेगा। नहीं भैया, कंपनसेट आपको पे करना ही करना है, कोई भी हो जाए, अगर आपको लॉस होता है जिस इवेंट को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो उस इवेंट के दौरान अगर उसको लॉस होता है तो भरपाई तो करके देनी पड़ेगी, देयर इज नो एक्सक्यूज इन द लॉ। हाउएवर ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इट कैन बी स्टेटेड दैट, लेकिन अगर लॉ की नजर से देखे, जुडिशियल का मतलब लॉ की नजर से अगर देखे, लॉ के अगर एक्सप्लेनेशन से देखे, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो साफ मना करता है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है भैया, करना ही करना है, ऑब्लिगेशन है ये, ओके, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का जो पर्पस है वही है, क्या है बताओ, कंपनसेट करना टू प्रोटेक्ट द फाइनेंशियल लॉस है ना। तो इसलिए ऐसा कोई कंडीशन स्पेशल नहीं आएगी कि यही कंडीशन रही तो आपको पे करना है, नहीं, कंडीशन कोई भी रही आपको पे करना है, दैट्स इट। बट बता रहा है यहाँ पे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के अंदर इट कैन बी स्टेटेड दैट, दर्शाता है दैट द लायबिलिटी ऑफ एन इंडेमनीफायर कमेंस एज सून एज द लायबिलिटी ऑफ इंडेमनिटी होल्डर बिकम्स एब्सोल्यूट एंड सर्टन। समझा, जिस वक्त इंडेमनीफायर की, इंडेमनिटी होल्डर की, किसकी कॉम्पनसेशन का अमाउंट फिक्स हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, सर्टन हो गया, फिक्स हो गया, उसी वक्त से उसको पे करना है भैया, ये लॉ के इन द आईज ऑफ लॉ बोलता है, हमारे इंडियन जुडिशियल मशीनरीज के अंदर ऐसा बताया गया है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इसका कोई वक्ता नहीं है कि भाई इस कंडीशन में रखना है, नहीं। एग्जाम्पल दू, जैसे आप देखो आप कंपनी का कार का इंश्योरेंस देते हो, कार का इंश्योरेंस देते हो, कार वाला आप कार आपकी ठुक गई, सपोज वो इंश्योरेंस में कार है, कार ठुक गई, अब कार ठुक गई इंश्योरेंस में कवर्ड है, अब आपको इंडेमनीफायर यानी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट कब पे करेगा, जब कार ठुक जाएगी, ठुकने के बाद बना के आओगे उसके बाद, नहीं भाई, जिस वक्त कार ठुकी, शोरूम में गाड़ी गई, शोरूम में गाड़ी जाते से ही उसका ऑब्लिगेशन बन गया कि अब तू लायबिलिटी पे कर, भाई पहले तुम पेड कर दो बाद में, वैसा होता नहीं, आपका लॉस फिक्स हो गया, शोरूम वाले ने बोल दिया कि 10,000 रुपए खर्चा है भाऊ इसको पार्ट को चेंज करने में, कार टूट गई तो तुम्हारी, उसी वक्त उसकी ऑब्लिगेशन बन गई लायबिलिटी सर्टन फिक्स। यानी बताया क्या जा रहा है, इंडेमनिटी होल्डर की लायबिलिटी जैसे ही फिक्स हो गई उसी वक्त इंडेमनीफायर की भी लायबिलिटी कमेंस हो गई, उसको सामने आ गई, अब उसको उतना पे करने करना है। अब सर लेकिन ऐसा तो हेल्थ इंश्योरेंस में होता नहीं है, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है,
पहले हम हॉस्पिटल में जाते हैं, मरीज को बीमार को लेटवाते हैं, लेटवाने के बाद 3-4 दिन उसकी दवाई चलती है, ठीक होता है, फिर आ कंपनी बोलती है हाँ ये लो अमाउंट लॉस बताओ कितना हुआ, ये लो भरपाई। पूछो क्यों? क्योंकि वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। देखो क्या होता है, कार में पार्ट चेंज करना है, अपना को दिख जाता है, कार वाला शोरूम वाला बताता है कि हाँ यही पार्ट है चेंज करना है, लेकिन जब तक के मरीज पूरा ठीक नहीं होता तो एग्जैक्ट लॉस का अमाउंट कैसे निकालेंगे पहले ही, भाई उसको कितनी सलाइन लगेंगी। कोई मरीज 3 दिन में बीमार ठीक होता है, वही सेम डिसीज को 30 दिन लगते हैं, 30 दिन भी डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। तो इसलिए वहां पर लॉस यानी लायबिलिटी इंडेमनीफायर की, इंडेमनिटी होल्डर की सर्टन नहीं होती, इसलिए इंडेमनीफायर की लायबिलिटी जब तक कमेंट्स नहीं आएंगी। यानी इस पैराग्राफ का मतलब क्या है आपको समझा? जब तक इंडेमनिटी होल्डर यानी जिसको कंपनसेट मिलेगा उसकी लायबिलिटी एब्सोल्यूट या सर्टन नहीं होती, तब तक के इंडेमनीफायर की लायबिलिटी कमेंट्स नहीं होगी। इजी है, सिंपल, सही है ना? अरे भाई लॉस का अमाउंट आंकड़ा आया नहीं अभी हाथ में, तो पहले ही उसको कितने मांगू मैं? ये तो कॉमन सेंस है ना, लॉ इज मेड फॉर कॉमन सेंस, मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है। दिस प्रिंसिपल हैज बीन फॉलोड बाय द कोर्ट इन सेवरल केसेस। अब इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो ध्यान दो, ये 3 लोगों की कहानी है। एक का नाम है एक्स ए, एक्स और वाई। अब क्या वो सुनो, अब ए जो है ना, ए वाई से फुल खुन्नस लेके बैठा हुआ है, लेकिन क्या हुआ है, ए कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है, कॉम्पिटेंसी में नहीं आती। अब क्या हुआ सुनो, बता रहा हूं मैं आपको एक कहानी में क्या हुआ है। हाँ, अब क्या हुआ, ए एक्स को प्रॉमिस करता है, ए प्रॉमिस करता है एक्स को कंपनसेट करने के लिए एनी लॉस ही मे सफर बाय फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट वाई। यानी क्या हुआ, ए ने एक्स को बोला कि तू इसके ऊपर केस कर, इस केस के अंदर, अब केस किस चीज का पता नहीं, हुआ होगा ये दोनों आपस में नेबर हुए होंगे, ओके, और इसका आपस में खुन्नस हुआ होगा, तो खुन्नस कैसे निकालना, तो इसने क्या कह दिया, इसने बोल दिया कि एक केस पे इसके ऊपर केस, कोर्ट केस कर दे। किसने बोला ऐसा, ए ने, किसको बोला, एक्स को कि वाई के ऊपर कोर्ट केस कर दे, कोर्ट के केस के करने के दौरान तू हारा भी तो पैसा मैं दूंगा, जीता तो ठीक है तू ले लेना, मेरे को नहीं चाहिए बस पैसा तेरा। अब हुआ क्या यहाँ पे, अब द कोर्ट ऑर्डर एक्स टू पे वाई डैमेजेस फॉर ₹10,000, उल्टा हो गया, वाई जो जरा इनोसेंट बन रहा था वो जीत गया और कोर्ट ने आदेश दिया कि एक्स वाई को ₹10,000 पे कर चल। अब वाई को ₹10,000 पे करना है, अब बताओ किसके कहने पर एक्स ने वाई को केस किया था, बताओ, ए के बोलने पर केस किया था ना भाई, है ना? तो अब क्या हुआ, अब देखो लिखा हुआ है एज द लॉस हैज बिकम सर्टन, हो गया ₹10,000 फटका लग गया, अमाउंट आ गया, आंकड़ा आ गया हाथ में, एक्स में क्लेम द अमाउंट ऑफ लॉस फ्रॉम ए एंड पास इट टू वाई। अब एक्स ए से ₹10,000 मांग सकता कि ₹10,000 दे, मेरे को वाई को देना है, तेरे बोलने पर मैंने केस किया था, मैं हार गया अब, और ऊपर से मेरे को कंपनसेट लगा है ₹10,000 पे करना है उसको, तो मैं क्या को पे करूं भैया, तूने कहा था नहीं तो मेरे अंगने में तुम्हारा का काम मेरा ऐसा था, तुम दोनों का खुन्नस था, मेरा कोई लेना था नहीं था, लेकिन तुमने मेरे को जबरदस्त लाया और कहा था कि अगर कोर्ट केस के दौरान कुछ भी लॉस हुआ तो भरपाई करके देगा, तो भैया दे तो मैं उसको दूं। तो यहां पे क्या हुआ, जो ये ए है, ये ए बिकम इंडेमनीफायर हो गया और एक्स बिकम इंडेमनिटी होल्डर हुआ, और ये वाई जो है ये थर्ड पार्टी में आएगा, इसको कोई इन्वॉल्वमेशन नहीं है। असली कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर जो थी वो ए और एक्स की थी यहाँ पे। तो ये ऊपर का जो पैराग्राफ है वो एक स्टोरी के माध्यम से यहाँ पे समझाया गया, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया कि जब तक के इंडेमनिटी होल्डर की लायबिलिटी सर्टन नहीं होती, तब तक के इंडेमनीफायर की लायबिलिटी कमेंस नहीं होगी। ओके, बस यही था। चलिए, तो अब हम नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर रहे हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट का नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटी भी बोलते हैं। ओके, तो लिख लीजिए आप श्योरिटी। अब सुनिए क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में आता है। सेक्शंस कौन से रहेंगे सब इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, अभी नहीं फिलहाल, लेकिन
अभी हमको फिलहाल क्या करना है, इसको आज समझना है। आज का सेशन जो रहेगा ओनली कंसेप्ट्स पे फोकस करेंगे, कंसेप्ट जिससे हो गए क्लियर कि हम आगे इसको लैंग्वेज पे फोकस करेंगे। लैंग्वेज में आपकी वही पढ़ाऊंगा जो आपको ICAI द्वारा मॉड्यूल में दिया गया है, ताकि बाद में दिक्कत ना हो कि यार सर हमारा मैच नहीं कर रहा, हमारा लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सर एक्सेप्ट होगा, डोंट वरी, सब कंसेप्ट पे फोकस किया जाए। ओके, लास्ट में हमारी तरफ से आपको एक नोट्स भी मिलेगी, शॉर्ट मतलब शॉर्ट करके नोट्स मिलेगी, वो आप प्रेफरेंस के तौर पे ले सकते हो पढ़ना, लेकिन आपको इसी में से है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करूँ तो नाम से ही क्लियर गारंटी। भैया सबसे पहले बता दूं, मैं जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, थ्री पार्टाइट कॉन्ट्रैक्ट है, यानी यहाँ पे तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। किसके बीच में? पहला गारंटी के बीच, गारंटर के बीच में, दूसरा प्रिंसिपल डेटर के बीच में, तीसरा क्रेडिटर के बीच में। अभी प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर, गारंटर कौन है, तो इसको एक पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। देखिए अब इसको कैरेक्टर में लाते हैं, इन तीनों कैरेक्टर्स को देखो, ध्यान दो। इसको एक पिक्चर के तौर पे समझते हैं। क्या हुआ, ये था मिस्टर सागर, ये है मिस्टर मोहित, ओके, और ये है मिस्टर मिस्टर बोल कौन है तो तीसरा दोस्त, सचिन, ओके। अबे तीनों 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 आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन क्या हुआ, असली जो थे फ्रेंड थे ये थे मोहित और सचिन, बेस्टी थे। मोहित और सागर ये बेस्टी थे, सागर सचिन और सागर दोनों ठीक है, चलो ठीक है, सचिन इसको रिपीट करते एक बार, नाम थोड़ा कैंसिल करना पड़ेगा, एसएस बहुत हो गया ना इसलिए। हाँ देखिए, ये है मिस्टर सागर, मोहित और तीसरा नाम बोलूँ किसको, दिनेश, ओके दिनेश लेते हैं, ओके। अब क्या हुआ, अब सागर और मोहित और दिनेश में से ये दोनों बेस्टी थे, और ये दोनों बेस्टी थे, यानी मोहित सागर का भी बेस्टी था और मोहित दिनेश का भी बेस्टी था, ओके। अब हुआ क्या, एक दिन क्या हुआ, दिनेश जो है वो मोहित को आके अपनी दुखदाई, अपनी दुख बड़ी कथा सुना रहा था। क्या सुना था, दिनेश को एज अ एंटरप्रेन्योर बनना था, उसको अपना फर्म स्टार्ट करना था, दुकान, और दुकान स्टार्ट करने के लिए उसको कैपिटल चाहिए था, इनिशियल स्टेज में वो चाहिए थे 7 लाख रुपए, रिक्वायर्ड कैपिटल 7 लाख रुपए चाहिए थे, और एक्चुअल कैपिटल इसके पास था 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए की कमी पड़ रही थी। अब हुआ क्या, इतने में सागर जो है, सागर जो है ये बहुत रिच पीपल था। देखो आप उस शक्ल दिख रही नहीं, क्या शक्ल से दिखा ना, हाँ रिच था एकदम, ओके। अब सागर बहुत धनी व्यक्ति था, पैसे की कमी थी नहीं इसके पास एक्चुअली। अब हुआ क्या, अब मोहित जो था, मोहित के पास भी मिडिल क्लास व्यक्ति था, उसके पास भी ऐसे इतने पैसे थे नहीं, लेकिन क्या हुआ, उसको अंदर ही अंदर उसको मन में लगा था कि यार दिनेश की मैं कैसे हेल्प करूँ, 3 लाख रुपए का डेफिशिएंसी पड़ रहा, क्या रखा, 3 लाख रुपए का डेफिशिएंसी पड़ रहा। आपको सबको समझ में आ रहा है अच्छे से पिक्चर। अब वो इस तरीके से अचानक क्या हुआ, उतने में ही ये दिनेश चले गया, लेकिन मोहित जो था, मोहित बैठा था, और उतने में सागर आ गया, और सागर ने मोहित से पूछा, क्यों आज उदास लग रहा है बहुत, बराबर कि नहीं, बहुत उदास लग रहा है। तो दिनेश ने बोला, सॉरी मोहित ने बोला, हाँ यार मेरा एक फ्रेंड है, उसको 3 लाख रुपए फिलहाल चाहिए, उसको दुकान खोलना है, अपना स्टार्टअप खोलना है, 3 लाख की कमी पड़ रही है उसको। और इतने में क्या था, सागर का लाइसेंस था ब्याज का धंधा, ओके, नीश बैंक टाइप्स, सागर का क्या था, ब्याज का धंधा था, साहूकार लोग होते ना वैसा, लाइसेंस था इसके बकायदा गवर्नमेंट का। तो सागर ने बोल दिया, यार मैं लोन देता हूं लेकिन जाने माने लोगों को, और मोहित तू मेरा जिगरी है, लेकिन दिनेश को मैं ज्यादा पहचानता नहीं हूँ, हाय बाय, तेरे थ्रू मिला तो मिला बस, बाकी तो मेरा कोई कांटेक्ट है नहीं। इतने में मोहित ने बोल दिया, यार उसको 3 लाख रुपए लोन दे दे, लगे तो लिखा पढ़ी कर, मैं गारंटी बीच में ले रहा हूँ, गारंटी बस मैं ले रहा हूँ गारंटी, तो बोला ठीक है पक्का, हाओ मतलब फिर गारंटर में तेरा नाम लिखूंगा, बोला हाओ ठीक है। अब क्या हुआ, सागर ने रेडी हुआ मोहित को लोन देने के लिए, यानी सागर रेडी है मनी लैंड करने के लिए,
और मोहित दिनेश को भी सागर ने, मोहित ने दिनेश को बोला कि दिनेश जल्दी इधरा, तेरा काम क्लियर करा जा मैं। और दिनेश को बुला के मोहित जाया कि देख भाई मैं देखो 3 लाख रुपए मेरी गारंटी पर तेरे को मैं लेके दे रहा हूँ, मेरी गारंटी पर। किसको? हाँ मोहित को। कौन लेके दे रहा है? मोहित लेके दे रहा है। किसको? दिनेश को। समझा आपको क्लियर? यहाँ आपका कोई डाउट नहीं है। अब हुआ यहाँ पे इस तरीके से, अब सागर ने बोला देख भाई मैं 3 लाख रुपए पे ब्याज लूंगा, कितना लूंगा? महीने साल का 12%, तेजे बहुत कम ले रहा हूं, 1% महीने का, मार्केट रेट चल रहा, ठीक है 12% साल का, क्योंकि लाइसेंस धंधा है मेरा, लाइसेंस है मेरे पास, बिजनेस है ब्याज का, तो इसलिए मैं कम ज्यादा रेट इंटरेस्ट लगाऊंगा नहीं। और क्योंकि दिनेश अपना ही दोस्त है, ठीक है मेरा हाई बाय दोस्त है, लेकिन फिर भी 12% तो बनता होता। और इतने में क्या हुआ, इतने में सागर मान गया, मोहित भी मान गया मोहित की गारंटी पर। अब सागर किसको लोन देने वाला है? दिनेश को। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ रहा है? हाँ। अब क्या हुआ, इनके बीच में 3 कॉन्ट्रैक्ट होंगे। पहला कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सागर एंड मोहित, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मोहित एंड दिनेश, एंड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सागर एंड दिनेश। ये 3 पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट को, हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बोले। सागर एंड दिनेश बराबर है ना? पहला कॉन्ट्रैक्ट है सागर और मोहित के बीच में, इन दोनों के बीच में। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है मोहित और दिनेश के बीच में। और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा सागर और दिनेश के बीच में। ये 3 पार्टाइट कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बोलेंगे, जिसके अंदर 3 पार्टीज का टाइटल है। लोन देने वाला, जो लोन देने वाला, उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स, यानी सागर बिकम अ क्रेडिटर हियर। लोन लेने वाला होता है प्रिंसिपल डेटर। क्या बोलते इसको हम? प्रिंसिपल डेटर। और जो जिसके बेसिस पर लोन दिया गया, जिसकी गारंटी पर, उसको बोलते हैं गारंटर। हियर GUGUARANTOR गारंटर। अब यहां पे देखो, सुनो, अब यहां पे सागर बिकम अ क्रेडिटर, जिसने लोन दिया, जिसको लोन मिला वो प्रिंसिपल डेटर। और जिसके गारंटी पे क्रेडिटर को गारंटी दी गई, जिसके गारंटी पर क्रेडिटर को गारंटी दी गई गारंटर द्वारा, वो बन गया प्रिंसिपल डेटर। समझा आपको? लोन लेने वाला कौन? प्रिंसिपल डेटर। लोन देने वाला क्रेडिटर, और जिसके बेसिस पर लोन दिया गया श्योरिटी देकर, उसको बोलते गारंटर। तो ये 3 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 पार्टीज का अमाउंट है, दैट्स व्हाई ये 3 कॉन्ट्रैक्ट एक साथ बनते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब सर इसमें क्या पढ़ने वाले हो, इसमें किसकी लाइबिलिटी कितनी, किसके पास राइट्स है, लाइबिलिटीज है, किसकी लाइबिलिटीज क्या हो, तो सुनो यहाँ पे ध्यान दो, वो सब आपको इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सुनो, यानी इन शॉर्ट इस टॉपिक में अंदर, चैप्टर में सुनो। अब यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर की जो लाइबिलिटी वो प्राइमरी होती है। प्राइमरी यानी क्या? आप बताओ, लोन किसने लिए? दिनेश ने। प्रिंसिपल डेटर बोलो, हाँ दिनेश ने अभी, ओके प्रिंसिपल डेटर यानी दिनेश ने, ओके। लोन दिया किसने? अब बताओ मजे इसके है, तो लोन पे भी यही करेगा ना, बराबर कि नहीं? तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में वारंटी तब बनता है जब यदि प्रिंसिपल डेटर अनेबल होता है पे करने के लिए, तो क्या क्रेडिटर के पैसे गए? नहीं, तब क्रेडिटर लाइबल है गारंटर से वसूल करने के लिए। That's why here the liability of the guarantor is secondary. क्या होगा यहाँ पे? Primary liability किसकी होगी? Principal debtor की, क्योंकि loan किसको मिला? उसको। पैसे भी किसको देने वापस? Principal debtor को। लेकिन अगर principal debtor नहीं चुका पाता है तो guarantor देगा। तो यहाँ पे कौन सी condition पे guarantor principal debtor की liability मुक्त करेगा, या फिर इस chapter के अंदर, अब principal debtor ने guarantor liability मुक्त करने के बाद उसके बाद rights कौन से आएंगे, ये सब आपको इस chapter के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्रेडिटर के पास कौन कौन से राइट्स है, कौन कौन से कंडीशन के वक्त क्रेडिटर लाइबल नहीं है पे करने के, रिसीव करने के लिए कौन सा अमाउंट प्रिंसिपल डेटर से, कितने फ्रॉड से बचवाता है हमको लॉ, ये सब आपको केस स्टडीज के थ्रू यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। क्या आपको समझ में आ गया? अब इसके राइट्स लाइबिलिटीज किसकी क्या है, वो सब आपको अगले सेशन में पढ़ने को मिलेगा। इसके पहले हम लोग पहले कुछ इसकी लैंग्वेज में ध्यान देते हैं, कीवर्ड्स की टर्म समझते हैं, फिर हम ICI के मॉडल से शुरू करेंगे, ओके? कल पहले हम की टर्म समझते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे वही है, यहाँ पे एक पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है, क्रेडिटर्स प्रिंसिपल डेटर ने अपने हाथ ऊपर कर दिए, तो क्रेडिटर किसको पकड़ेगा? क्रेडिटर पकड़ेगा श्योरिटी को, गारंटर को श्योरिटी बोलते हैं, ओके? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटी भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको क्लियर? हाँ, तो यहाँ पे क्रेडिटर है। अब क्रेडिटर किससे मांग रहा है? अगर ये पेमेंट नहीं करेगा तो इसको पेमेंट ये द्वारा करेगा, लॉ इसको बोलेगा कि तू पेमेंट कर क्योंकि तेरी लायबिलिटी सेकेंडरी है। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल और दिया हुआ है, इसको अपन समझ लेते हैं। मिस ए, देखो क्या हुआ, मिस्टर ए है ना, मिस्टर ए को कार चाहिए थी। अब डीलर है ना, कार डीलर इसको कार दिला नहीं था क्योंकि इसके पास पैसे नहीं थे देने के लिए। वो ए बोल रहा था कि मैं बाद में पेमेंट कर दूंगा, बराबर कि नहीं? अब इतने में क्या हुआ, इतने में बी जो था ना, बी ये डीलर का अच्छा खासा दोस्त था और ये बी ए का भी अच्छा खासा दोस्त था, कॉमन फ्रेंड था। अब इसको कार चाहिए थी, इसने ए ने बी को बोला कि ए बी यार तेरे दोस्त वो सी को, ये सी होगा जो मेरे को ना, सी तेरे सी को बोलना यार डीलर को कि मैं वो कार दे, मैं लगे तो पेमेंट थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगा उसको पैसे कार, लेकिन आइए मार्केट में उनको चाहिए तो मेरा पक्का दे देगा। ऐसे बी ने बोला, हाँ ठीक है। तो सी बी ने बोला सी को कि मेरी गारंटी पर तो उसको कार दे दे तो कोई पैसे देगा, अगर नहीं दिया तो मुझसे देना पैसे बस। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, गिव अ कार टू माई फ्रेंड इफ ए डज नॉट पे आई विल पे, ऐसे बी बोलता है, दिख रहा है आपको? और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉमिस टू बी डिस्चार्ज एज लाइबिलिटी अन केस ऑफ द डिफॉल्ट। यानी क्या, अगर यहाँ पे अगर ए, ये मिस्टर ए अगर डिफॉल्ट करता है तो ही ये श्योरिटी यानी गारंटर की डिस्चार्ज करने की लाइबिलिटी जिम्मेदारी हो जाएगी, सेकेंडरी है क्या ये इसकी, समझा आपको? और सी ने उसको कार दे दिया, ये वाली कार, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर आता है। इजी हम देखते हैं यार इसमें, इसलिए किसी के बीच में आना नहीं। हाँ, कोई अगर बोलता है ना मेरे को बैंक लोन लेके दे, कभी भी याद ना फाइन, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें गारंटर के बिना कोई भी आपको लोन देता नहीं है। कितना भी सगा दोस्त क्यों ना हो, किसी के बीच में आना नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। पूछो क्यों? अगर आप लोगों ने किसी के बीच में आया होगा, उसने पे नहीं किया तो मजबूरन आपको पे करना पड़ेगा उतना अमाउंट, तो दैट्स वाई किसी के बीच में आने का नहीं। तो ये था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, थ्री पार्टेड कॉन्ट्रैक्ट है। देखो वही लिखा हुआ है, अब इसकी लैंग्वेज थोड़ा की टर्म्स पढ़ते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म अ प्रॉमिस और डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। थर्ड पर्सन यहाँ पे किसकी बात आ रही है? प्रिंसिपल डेटर की। यानी खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास छोड़ा, बारह वाला काम है, लायबिलिटी चुकानी पड़ेगी थर्ड पार्टी की अगर उसने डिफॉल्ट किया तो, ऐसा बताया यहाँ पे। द पर्सन हु गिव्स गारंटी इज कॉल्ड एज गारंटर, और जो पर्सन गारंटी देता है उसको गारंटर बोलते हैं। अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज गारंटी इज गिवन इन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल डेटर, जिसके नाम से जिसके लिए गारंटी उठाता है गारंटर, जिसके लिए गारंटी उठाता है गारंटर उसको बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर। अब ये दोनों पिक्चर बताया मैंने आपको अभी यहाँ पे, ओके। क्रेडिटर कौन है? पर्सन हु टू हुम गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड एज क्रेडिटर, और जिसको गारंटी दी जाती है कि अगर प्रिंसिपल डेटर ने पेमेंट नहीं किया तो मैं करूंगा पेमेंट बस, तो उसको बोलेंगे क्रेडिटर। क्या बोलेंगे इसको हम? समझा आपको अच्छे से? तो थ्री पार्टेड कॉन्ट्रैक्ट है, वही है बताया गया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज जस्ट लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट विच मोस्टली इन राइटिंग फॉर्म। तीनों ने तीन कॉन्ट्रैक्ट बनाया, अग्रीमेंट किए, अग्रीमेंट को इनफोर्सिबल स्टेज के अंदर लाया और वो कॉन्ट्रैक्ट बना के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बोलते हैं। थ्री पार्टेड कॉन्ट्रैक्ट है, किसके किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है मैंने आपको ऊपर अभी 5 मिनट पहले ही बता दिया था, ओके। ऑल द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट, देयर मस्ट बी अ ऑफर एक्सेप्टेंस, देयर मस्ट बी अ फ्री कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ओके, कॉम्पिटेंट पार्टीज और फ्री कंसेंट, और बस इतना ही था। राइटिंग मस्ट बी स्टैम्प ड्यूटी, ये सब जो इसेंशियल कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट की है वो सब यहाँ पे फुलफिल करनी पड़ेगी, ओके। इट्स अ ऑर्डनरी कॉन्ट्रैक्ट जस्ट लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, बट इसको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्पेशल केस के लिए बनाया गया, ओनली किसके लिए? श्योरिटी के लिए। जब तीन लोगों में एक पार्टी बीच का मिडल पर्सन बनके दो पार्टीज के बीच में डील करवाता है किसी भी चीज़ की, और वो सेकेंडरी लायबिलिटी उठाता है, लायबिलिटी उठाता है कि अगर एक पार्टी डिफॉल्ट करेगा तो पेमेंट मैं करूँगा, उसकी लायबिलिटी मैं मुक्त करूँगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी।
बस यही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहता है। अब इसके अंदर ये टॉप टाइप्स भी इसके अंदर पढ़ेंगे, गारंटी के टाइप्स कितने हैं, राइट्स किसको किसको कितने हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर, तीनों पार्टीज में किसको राइट्स है, किसकी लाइबिलिटीज क्या रहेंगी, किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगी, कब कौन सी कंडीशन में प्रिंसिपल डेटर पे करेगा, कौन सी कंडीशन में गारंटर पे करेगा लाइबिलिटी, ये सब आपको यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर अगले आने वाले 2 सेशन में समझाया जाएगा। इसी के साथ मेरा आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है, हम फिर मिलेंगे। आज हमने कंसेप्ट पे सिर्फ फोकस किया था, कल नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे आपकी लैंग्वेज के साथ। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।